उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा के मगम गांव में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तानी थे, जो हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले गुट का हिस्सा थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मगम के खार मोहल्ला में सेना SOG और CRPF की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के DGP SP वैद्य ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से कई राइफल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया था। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन में सुरक्षा बलों ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकीरुर रहमान लखवी के भांजे समेत 6 आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सभी पाकिस्तानी आतंकी लश्करे तैयबा के थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वायुसेना का एक ग्रोन कमांडो भी शहीद हो गया था, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया था। मालूम हो कि सुरक्षा बलों ने घाटी के आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसके तहत आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है।